हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, अपनी आज की एनालिसिस शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि सबसे पहले हम अपने इंडेक्सेस को एनालिसिस करते हैं, तो निफ्टी में दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कल ये रेंज बना के दी थी, ठीक है, निफ्टी आज भी इसी रेंज के अंदर ही घूमता रहा। ठीक है, मार्केट थोड़ा सा धीरे धीरे ऊपर जा रहा था, बट सेकेंड हाफ के बाद मार्केट के अंदर एक शार्प फॉल आया, जिसकी वजह से मार्केट ने वापस अपने सपोर्ट जोन को टच करा। अब दोस्तों कहीं ना कहीं ये स्मॉल साइडवेज आपका क्लोज हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमारी कोई आगे की मतलब इतनी बड़ी रणनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपसे सिंपली एक चीज़ बता रखी है आपको कि जब तक निफ्टी हमें इस रेंज का ब्रेकआउट नहीं दे देता, चाहे वो पॉजिटिव ब्रेकआउट हो, ठीक है, या फिर वो ब्रेकआउट हो नेगेटिव, बट दोस्तों हमें जिस भी तरफ ब्रेकआउट मिलेगा तब हमें क्लियर डायरेक्शन का पता लगेगा। क्योंकि हम अगर आपको सेक्टर्स की लिस्ट में दिखाते हैं ना, अगर हम सेक्टर्स के बारे में बताते हैं आपको, तो आप सेक्टर्स को देखेंगे तो हमारे सेक्टर्स हैं ना जो, वो भी आधे से ज़्यादा नेगेटिव हैं, दो पॉजिटिव हैं। तो साइडवेज मोमेंटम निफ्टी में इसके वजह से आ रहा है, कोई एक क्लियर डायरेक्शन हमें नहीं मिल पा रही। ठीक है, आज भी ज़्यादातर स्टॉक नेगेटिव इसलिए है क्योंकि एक शार्प फॉल जो सेकेंड हाफ में आया था, उसको करेक्शन में ये कहीं ना कहीं पूरा का पूरा पॉजिटिव मोमेंटम नहीं दे पाए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब निफ्टी में हमें आगे के लिए, मैंने जैसे कि आपसे पहले भी कह रखा था कि कॉशियस आपको रहने की ज़रूरत है, तो निफ्टी में इन लेवल्स के ब्रेकआउट होने के बाद ही आपसे मैं बोलूँगा कि आप इसमें ट्रेड करिए, वरना आप इसमें अभी ट्रेडिंग करना अवॉइड करिए। मैं आपको स्टॉक्स देता हूँ, आप उन स्टॉक्स में अच्छी खासी ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, निफ्टी को भी आप अवॉइड ही करिए। दोस्तों अब आते हैं हमारे अगले इंडेक्स बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में दोस्तों मैं आपके लिए लेवल्स बना के लाया हूँ, और ये लेवल्स बहुत क्रूशियल लेवल्स हैं, आप इनको अपनी स्क्रीन पर कॉपी कर लीजिए। ठीक है, बैंक निफ्टी अगर हमें 36,340 के ऊपर के लेवल पे ब्रेक मिलता है ना, ठीक है, और मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है, तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहने वाला है दोस्तों, क्योंकि इंट्राडे में बहुत ज़्यादा अच्छा खासा टारगेट मिल जाएगा हमें इस रेंज के ब्रेक होते नहीं बहुत अच्छा टारगेट मिल जाएगा हमें, और जो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा वो 37,106 का रहेगा दोस्तों। बट आप BTST करते हैं, ठीक है, तो उसमें आप थोड़ा सा सेकंड टारगेट भी अपना लेके चल सकते हैं, जो कि 37,502 का आप रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बट मार्केट अगर 35,700 के बिलो सस्टेन कर जाता है ना दोस्तों, तो हम देख सकते हैं कि मार्केट में एक करेक्शन आने की उम्मीद है। ठीक है, तब उसमें आपका जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा दोस्तों 35,130 के अराउंड का। ठीक है, और जो सेकंड टारगेट रहेगा दोस्तों वो रहेगा 34,400 का। दोस्तों जो ये सेकंड टारगेट है वो भी आपके लिए BTST का ट्रेड है। ठीक है दोस्तों, तो अब इसमें अब आते हैं हम अपने स्टॉक्स की लिस्ट पे। दोस्तों सबसे पहला स्टॉक जो है हमारा वो है सेंचुरी टेक्सटाइल्स। दोस्तों अपने एक नेगेटिव फॉल के बाद अपने एक सपोर्ट जोन पे आके खड़ा हो चुका है। ठीक है, अगर इसमें हमें यहाँ से एक रिवर्सल मिलता है तब हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ठीक है, बट दोस्तों ये जो इसकी ट्रेंड लाइन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है, आप देखेंगे तो ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे कितनी अच्छी रिस्पेक्ट होती हुई आ रही है ना। तो इस पे अगर ये इस सपोर्ट जोन को तोड़ देता है ना, अपनी टेम्परेरी सपोर्ट जोन को, तो इसमें हम एक अच्छा खासा करेक्शन देख सकते हैं, और जो अपना टारगेट है वो इसकी ट्रेंड लाइन तक वापस रख सकते हैं, जिससे हमें एक अच्छा 1:2 का टारगेट तो इसमें मिल जाएगा, क्योंकि हम अपना जो स्टॉप लॉस है वो अराउंड इसके ऊपर रखेंगे कहीं पे। ठीक है, या फिर जो कहीं ये हल्का सा रीटेस्ट लेगा उसके ऊपर रखेंगे। ठीक है, और अच्छा खासा इंट्राडे का मोमेंटम तो इसमें देखने को हमें मिल सकता है। तो दोस्तों सेंचुरी टेक्सटाइल्स को आप अपनी वॉचलिस्ट में जरूर बना के रखिएगा, क्योंकि ये आपको इंट्राडे में तो बहुत अच्छा खासा टारगेट देने वाला है। दोस्तों अब आते हैं हमारे अगले स्टॉक पे, जो कि है हिंडल्को। दोस्तों आप देखेंगे तो एक अच्छा खासा बहुत ही पॉजिटिव आपका अराउंड 10-12% का 15% का एक पॉजिटिव मोमेंटम दे दिया इसने, जिसमें हमें कोई एक रीटेस्ट नहीं मिला था इसका। ये ऑल टाइम हाई की सपोर्ट है, ठीक है, ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस जोन था, जिसको ब्रेक करने के बाद इसने एक बार भी हमें इसका रीटेस्ट नहीं दिया, सीधा ये ऊपर मार्केट इतना अच्छा खासा शूटअप दे गया हमें। ठीक है, अब मार्केट धीरे धीरे कहीं ना कहीं इसको रीटेस्ट करने आया है। अगर मार्केट सक्सेसफुली इसको रीटेस्ट कर देता है ना दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ पीछे से आके,
ये देखिए ये अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई का रीटेस्ट करने आया है। अगर ये मार्केट इसका रीटेस्ट कर देता है तो हमें इसमें वापस से एक नई बाइंग की अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी खासी देखने को मिल सकती है और एक नया हायर हाई इसमें हम देख सकते हैं। बट दोस्तों अगर मार्केट फेल होता है रीटेस्ट करने में तब भी हम इंट्राडे में तो बहुत अच्छा खासा टारगेट इसका अराउंड 407 तक का लेवल देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप हिंदलको को भी अपनी वॉच लिस्ट में जरूर बना के रखेंगे और मेटल सेक्टर्स को दोस्तों जरूर मतलब अपनी मतलब नज़र रखते रहना मेटल सेक्टर्स पे। अगर मेटल सेक्टर्स थोड़ी सी नेगेटिव है तो आप इसमें बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी थोड़ी अवॉइड करना। ठीक है, नेगेटिव साइड का फॉल इसमें हमें बहुत अच्छा खासा देखने को मिल सकता है अगर मेटल सेक्टर नेगेटिव रहते हैं। अगर वो पॉजिटिव रहे तो ये पॉजिटिव भी अच्छा खासा इसमें मोमेंटम हमें दे जाएगा। दोस्तों अब आते हैं हमारे अगले स्टॉक पे जो कि है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों आप देखेंगे तो अपने एक मेजर सपोर्ट जोन पे आके खड़ा हो चुका है। ठीक है, अराउंड 21 जून से पिछले दो महीने से इसके लिए ये क्रूशियल सपोर्ट जोन का काम कर रही है ट्रेंड लाइन। ठीक है, यहीं से ये बार बार आके जंप ले रही है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए। बट दोस्तों जब भी मैं आपको ये स्टॉक ट्रेंड लाइन से रिलेटेड आपको कोई स्टॉक देता हूँ जिसमें ट्रेंड लाइन से रिस्पेक्ट होके ट्रेड वापस ऊपर की तरफ जाता है तो उसमें दोस्तों मैं आपको एक चीज भी बताता हूँ। ठीक है, उसमें हमें किस तरीके से ट्रेड लेना चाहिए, क्या हमारी वो नीचे रणनीति। ठीक है, जो जिन लोगों के पास मतलब कैपिटल सफिशियंट होता है, जो मतलब अगर स्टॉक ने मोमेंटम आज नहीं दिया कल दिया तो वो उसको होल्ड कर सकते हैं, वो MIS ऑर्डर को CNC में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या करेंगे दोस्तों, वो अपना स्टॉप लॉस है ना दोस्त जो यहाँ पे रख के चलेंगे अपना बिल्कुल इस पे और एक प्रीवियस ऑल टाइम हाई तक तो इसको हम आता हुआ देख सकते हैं। बट दोस्तों अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, ठीक है, जिसमें आप सिर्फ MIS ऑर्डर ही ले सकते हैं, आपका बजट वो बजट थोड़ा सा कम है, आपकी कैपिटल थोड़ी कम है, ठीक है, आप लिवरेज थोड़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो आप इसमें ना दोस्तों पॉजिटिव साइड का मोमेंटम जब क्रैप करेंगे जब बैंक निफ्टी में आपको बैंक निफ्टी और PSU बैंक सेक्टर में थोड़ी सी अच्छी खासी बुलिशनेस दिखेगी। ठीक है, तभी इन सेक्टर्स इन स्टॉक्स के अंदर एक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, वरना हो सकता है दोस्तों कि ये आज ना दे कल हमें मोमेंटम दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर बैंक निफ्टी और PSU बैंक सेक्टर आपको पॉजिटिव दिखते हैं तो इंट्राडे ट्रेडर, ठीक है, जो MIS ऑर्डर प्लेस करते हैं वो इसको एक छोटे से अपना इंट्राडे का टारगेट इसमें अचीव कर सकते हैं। ठीक है, बट दोस्तों इसमें हम नेगेटिव साइड की भी देख कर चलेंगे क्योंकि बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं हमारा आज चाहे 13 पॉइंट सी पर नेगेटिव क्लोज हुआ है, तो कल हम इसमें हो सकता है कि अगर यहाँ से इसको ब्रेक देता है ना तब भी हम इसमें इंट्राडे का टारगेट तो बहुत अच्छा खासा अचीव कर सकते हैं और जो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा दोस्तों वो यहाँ तक का रहेगा। ठीक है दोस्तों, जो कि 414 के लेवल का होने वाला है। दोस्तों अब आते हैं हमारे बिल्कुल आखिरी स्टॉक पे और जो जिसमें मैं कल सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाला हूँ वो है वेदांता। दोस्तों वेदांता भी एक मेटल सेक्टर है, ठीक है, मेटल सेक्टर का स्टॉक है। इसमें आप देखेंगे मेटल सेक्टर, ये रहा मेटल सेक्टर में दोस्तों आज सारे के सारे स्टॉक ही हमें बहुत अच्छा खासा शार्प फॉल देखे गए हैं। ठीक है, तो अब इस इनमें हमें एक थोड़ी बहुत अच्छी करेक्शन देखने का टाइम मिल सकता है। ठीक है, और वेदांता में एक प्राइस एक्शन हमें देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा मैं आपको पहले पीछे आके दिखाता हूँ। तो ये इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई है ना, तो हम इसको पहले मार्क करके चलेंगे, ये हमने इसको मार्क कर लिया। ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे तो वेदांता में क्या प्राइस एक्शन बन रहा है दोस्तों, वेदांता एक रेंज में घूम रहा था। ठीक है, देख रहेंगे इस रेंज का ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट दोस्तों सक्सेसफुली हो चुका है। अब दोस्तों कल हमें वेदांता को शॉर्ट करके चलना है। ठीक है, एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है वेदांता में हमें। ठीक है, और एक अच्छा खासा इंट्राडे का टारगेट तो हम दोस्तों 294 तक के अराउंड का ग्रैब कर जाएंगे दोस्तों, पर ये टारगेट जो है वो आपका 3% तक तो होगा। ठीक है, बट आप इसमें अपना 1:2 का टारगेट रख के अपना 1 या 2% पे इजिली एग्जिट हो जाना। तो आई होप दोस्तों आज आपको हमारी एनालिसिस पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों अगर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना है जिसमें हम लाइव मार्केट की अपडेट्स देते रहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप उस पर जाके ज्वाइन हो सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।